तो एक बार फिर से गाइज आपका हमारे चैनल में पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना तो कोई ऐसी बात है कि आपको फेसबुक पे कैसे जॉब मिले, मतलब ना कोई मनी मेकिंग वाला वीडियो होगा। ये वीडियो होगा कि आप मतलब कैसे कंटेंट होता है जो मतलब आप किसी से कॉपी करना चाहते हैं कोई कंटेंट दूसरी साइट से, या फिर उसको उस कंटेंट को कॉपी करके अपने एक वीडियो सेक्शन में बनाना चाहते हो, मतलब आपका कोई भी काम हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको वो कंटेंट चाहिए और आपको आप क्या करते हो उसको ले नहीं पाते, उसको कॉपी नहीं कर पाते हो क्योंकि वो पहले से लॉक हुआ होता है, या फिर सिंपल सी बात है ऐसा कुछ नाम आता है कि ये पेज लॉक है इसलिए आप इसको कॉपी नहीं कर पाओगे। सही है, यही होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन अभी मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आपको भी ये बताना चाहिए। तो एक तो आपने जैसे कि मेरा थंबनेल देखा है तो इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हो, तो वीडियो पे आए हो तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार मैंने देखा है 90 से प्लस बंदे आते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर आपको कुछ मनी मेकिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देख सकते हो, सामने ही है मेरा चैनल और यहाँ पे कुछ व्यूज़ नहीं आते लेकिन थंबनेल अट्रैक्टिव है। और फिर भी मतलब इनमें सब में आप देखते हो कि कोई अगर बंदा न्यू चैनल स्टार्ट करता है तो अपना बेस्ट देना चाहेगा अपने प्रत्येक वीडियो में, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है कि भाई मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ लेकिन इतने व्यूज़ आते नहीं है। लेकिन भगवान की दया रही तो हाँ आ जाएंगे वीडियो पे व्यूज़ है जो अब यहाँ पे देखिए काफ़ी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आते हैं। लेकिन ये जो रैंक हुए वीडियो है वो है, तो बीच में मैंने इस पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था लेकिन अभी डेली आते हैं। लेकिन चलो मेन अभी इसके आज के वीडियो पे बात करते हैं कि जैसे कि आज का जो टॉपिक है मेन वो ये है कि जैसे कि आप या फिर अमेजोन पे शायद नहीं आता ऐसे कॉपी सेक्शन वाला कंटेंट ब्लॉक वाला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आ जाता है, या फिर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो वेबसाइट होती है उन पर आता है कि आप कोई भी कंटेंट है वो कॉपी नहीं कर पाते हो वहाँ से, या मतलब ये लॉक्ड कंटेंट है इसलिए आप उसको कॉपी नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप वो जो लॉक्ड कंटेंट है उसको कैसे कॉपी करोगे। सही है, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ना कुछ ज़्यादा मतलब प्रोसेस होगी, बड़ी छोटी सी प्रोसेस है और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। इसलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को प्लीज़ दोबारा कह रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक वेब पेज दिखा देता हूँ जिसके ऊपर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं ये वेब पेज पहले ही सर्च कर रखा था तो मैं आपको पहले वो वेब पेज दिखा देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से पेज आते हैं लेकिन अभी याद थोड़ी रहता है यार कि भाई कौन सा पेज लॉक है कौन सा नहीं था। तो लेकिन एक बार मैं दिखाई देता हूँ कौन सा पेज था वो। एक बार न्यू विंडो खोल लेते हैं और यहाँ पे शायद दिख जाएगा वो कौन सा पेज था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा वो पेज, ठीक है। तो ये कोई वेबसाइट है ज्ञान स्टडी पॉइंट करके, इस पे मुझे मतलब यहाँ से मैं अगर नोट्स बनाना चाहता हूँ और मुझे वो नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा तभी मैं उसको डॉक्यूमेंट में या फिर वहाँ पे बदल पाऊँगा, कन्वर्ट कर पाऊँगा। सही है, तो इस पे देखिए एक बार, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से मतलब डबल क्लिक भी करके देख लिया मैंने कोई कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ से हेडिंग भी कॉपी नहीं हो रही है, यहाँ से ऐसे भी कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है नाम नहीं आ रहा है कोई भी कि ये कंटेंट लॉक्ड है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि ये कंटेंट लॉक्ड है। और इसी का मतलब अब आपको बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे कि मान लो मुझे इसको अपने पीडीएफ में बदलना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ डॉक्स डॉट न्यू, यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इन सारे जो आपको ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कंटेंट है वो जो लिखा हुआ है वो ही कॉपी होगा, इसमें मैं आपको सारे के सारे जो इसके मतलब कैसा फॉन्ट है इसका और कैसे इसका मतलब स्टाइल है, कैसे इस पे आइकन्स लगे हैं, कैसा इस पे इमोजी लगे हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में कॉपी करके बताऊंगा। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी प्रोसेस है। इसके लिए आप मेरे चैनल को मेरे जिस वीडियो का लाइक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ये कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा है, एंशियंट पीरियड वगैरह कुछ नहीं हो रहा कॉपी। और यहाँ पे ये मेरा एक बार पढ़ा है तो इसको एक बार देख, एक बार लिख देते हैं इसको लॉक्ड कंटेंट ऐसा कुछ नाम लिख देते हैं। लिख देते अभी आपको, यार ये क्या हो गया, चलो एक बार मैं एक बार इसको खोलता हूँ, बीच में कट जाता है लेकिन हाँ दोबारा वही खुल गया, ठीक है। ये भूल से मैंने यहाँ से क्लिक हो गया तो यहाँ पे देखिए वापस वहीं पे आ गए, ये लॉक था कंटेंट। अभी आपको क्या करना है, नई टैब है वो ओपन करनी है, न्यू टैब होती है वो ओपन करने से, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जैसे कि आपको लिखना है राइट
एक्सपेंशन, ठीक है, इतना लिखो तो ये बहुत है, और ये लिख सकते हो आप, ठीक है। राइट क्लिक अनेबल फॉर क्रोम, लेकिन इसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार जो मेरी एप्लीकेशन है वही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो एक्सटेंशन है, एप्लीकेशन नहीं है, ये एक्सटेंशन है, ये मैंने पहले से ही लॉग इन कर रखा है। एब्सोल्यूट एनेबल राइट क्लिक एंड कॉपी, ठीक है। इस पर रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं, मेरे पास पहले से ही, आपको यहाँ से ऐड टू क्रोम करना होता है, मेरे पास पहले से है, तो मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डिसेबल किया था वीडियो को आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो मैं इसको अनेबल कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आपके सामने ये कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है, ये आइकन दिख रहा है आपको, सही है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए ये कॉपी नहीं हो रहा, आपके सामने देख कर रहा हूँ लेकिन कॉपी नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो ये दोनों ऑप्शन है ये ऑन कर देंगे, अनेबल कॉपी एंड एब्सोल्यूट मोड, ठीक है। अभी दोनों टिक हो गए, ग्रीन टिक आ गए और जो राइट साइन होता है वो भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है, आपको फॉलो करते रहना। अभी आप जादू देखोगे गाइस कि ये सारा कॉपी हो जाएगा। अभी देखना कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, जैसे कि यहाँ से करता हूँ, ओ भाई साहब ये देखिए सारा का सारा कॉपी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था आप देख रहे थे। तो एक बार मैं इसको सारा कर लेता हूँ, यहाँ तक चलो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। एक बार ये थोड़ा लोड लेगा, देखते हैं कितना लोड लेता है। ये देखिए जैसा फॉन्ट था वैसा ही फॉन्ट बन गया है, और अभी देखिए आप सारा का सारा कॉपी की कर दिया था मैंने, जितना भी था उसके साथ ही कर दिया था। और आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ गाइड कमेंट जरूर कर देना, और यहाँ पे देखिए सारे के सारे इमोजी भी लगे हुए। आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपने देखा कि इस वीडियो मैंने लाइक नाम बहुत ज़्यादा बार बोला है, तो प्लीज़ यार इतना तो कर ही देना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे तो ये सबसे बेस्ट मेथड लगा कि आप लॉक्ड कंटेंट को कैसे मतलब एक्सेस कर सकते हो, वो भी कॉपी करने के लिए, ठीक है। आपको मतलब बहुत काम होंगे कि आप ब्लॉगिंग कैसे करते हो, मतलब अगर आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज अगर कन्वर्ट करना है, फ्रेंच से या फिर उससे करना है, किसी भी लैंग्वेज से, मतलब कोई बात है, आपको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि भाई आपको कंटेंट है वो लॉक्ड मिल रहा है, तो आप ऐसा कुछ करके उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइज बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और बाकी वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े, देखिए इस पर काफ़ी अच्छे वीडियो है आते हैं, डेली आते हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो था मेरा 3 मंथ्स का है, इसमें देखिए कितना गैप है, 2 वीक्स आ गए सीधे, इस पर पहले काफ़ी पुराना चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।